नमस्कार, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के मान आए इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विलास आड़े। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। समूचे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हैदराबाद रियासत के मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंदुस्तान की इसी आजादी से प्रेरणा लेकर कुछ रणबांकुर मैदान में उतर पड़े, निजाम के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। वैसे तो समूचे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हैदराबाद रियासत में रणबांकुरों ने, यहाँ के बाशिंदों ने निजाम के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का ऐलान कर दिया। मराठवाड़े के कई जिलों के विभिन्न जाति समुदाय के रणबांकुरे स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपना जीवन अर्पण करने के लिए उतावले हो गए। 1948 हैदराबाद रियासत के मराठवाड़ा हलके में जनता ने निजाम से बगावत कर दी। देश की आजादी से प्रेरणा लेकर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के महानायकों ने निजाम के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का ऐलान कर दिया। इससे बौखलाए निजाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने रजाकारों को और पुलिस को आदेशित किया और मराठवाड़ा हलके में हत्या, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार जैसी घटनाओं ने कोहराम मचा दिया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में 1948 में शहादत पाने वाले हुतात्मा जयंतराव पाटिल, इनके पैतृक गांव यानी कि वायफना में पहुंच चुका हूं। हदगांव तहसील का ये छोटा सा गांव है और ये उनका पुश्तैनी मकान है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में ये पुराने स्टाइल का उनका ये हवेली है और इस हवेली के ऊपर हुतात्मा जयंतराव पाटिल यहाँ पर रहा करते थे और यहीं से उन्होंने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम को बड़ी गति दी है, चेतना दी है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में उम्र के 32 साल में शहादत पाने वाले ये महान क्रांतिकारक थे हुतात्मा जयवंतराव पाटिल, जिन्होंने निजाम को खुली चुनौती दी थी। अपमान करतील, रोहिले रोहिले लोक जे आहेत ना ते त्यांचा अपमान वगैरे करतील म्हणून विटंबना करतील म्हणून ते ना डाऊन टाकले त्यातलं त्या डेड बॉडीला कशामध्ये त्या सुडीमध्ये फुकून दिलं त्यांना, कडव्याच्या सुडीमध्ये टाकून काहीतरी करतील म्हणून लोक।
देश स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कम उम्र में, उम्र के 18 साल से 32 साल तक 14 साल उन्होंने जुल्मी सत्ता के खिलाफ लड़ाई की। इस परिसर के लोगों को स्वतंत्र मिलवाने के लिए उन्होंने खुद का खून बहाया। 1948 में देश स्वतंत्र, 47 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन निजाम संघ राज्य में विलीन नहीं होना चाहता था। उसका वो स्वतंत्र राज्य था, वो स्वतंत्र राज्य खारिज होना, अपन भारत देश में स्वतंत्र होना, इतनी विचारधारा उनके पास थी। उन्होंने कई साथियों के साथ में सशस्त्र लड़ाई निजाम के खिलाफ की। कई बार उनको जेल में डाला गया, कई बार उनके ऊपर सशस्त्र हमला हुआ। उनको पकड़ने के लिए निजाम ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। हैदराबाद से कई लाख बार उनको पकड़ने के बाद ये मिलिट्री आई, दो बार उन्होंने पकड़े गए, लेकिन वो मिलिट्री को छुटकारा देकर उनसे भी अपने घोड़ी का लगाम तोड़ के वो निकल गए। और उन्होंने 1948 में 3 जुलाई के रात में देश को स्वतंत्र करने के लिए, जब नदी को बाढ़ आई थी, बाढ़ में से अपनी घोड़ी दौड़ाकर इस्लामपुर पुलिस स्टेशन ताबे में लेने के लिए लड़ाई की रात भर, उसमें उन्होंने शहीद हो गए। उसके एक महीना पहले जो कॉटन मार्केट था उमरी का, वो कॉटन मार्केट के अंदर परिसर का पूरा कॉटन जाता था, किसानों का पूरा पैसा वहां पर जमा था। वो पैसा भारत सरकार को देने के लिए उन्होंने बैंक दरोड़ा डालकर बैंक लूटी और पूरे बैंक का खजीना पैसा उनके साथ तो एक्स MLA बापू बारडकर, आबा साहेब लहानकर, किशोर शाहने, हमारे हदगांव के एक्स MLA स्वतंत्र सेनानी गणपतराव जी पालकर और कई लोग उनके साथ में थे। इनके साथ में मिलकर उमरी बैंक का पूरा पैसा, उमरखेड़ में जो कैंप था इनका बनाया वाला, हैदराबाद मुक्ति संग्राम का क्या क्या कार्य करना चाहिए, मराठवाड़ा में कैसी कार्रवाई करना चाहिए, उसकी जो मीटिंग होती थी वहां पर जमा किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को उमरखेड़ में रखकर खुद ये सब साथियों के साथ में इस्लामपुर चले गए। इस्लामपुर में रात भर लड़ाई करने के बाद उनको सवेरे सवेरे 9 गोलियां लगी, 9 गोलियों के बाद वहां पे उनको शहीद हो गए। लास्ट में 4-5 साल ये शांति घोड़ी थी, घोड़ी का इतना कारनामा था कि वो घोड़ी नहीं जाना चाहती थी। वो घोड़ी को मार मार के जबरन उन्होंने लेके गए, उसे संकेत मिल गया। हाँ, अरे जैसा भी हुतात्मा जयवंतराव पाटिल का वहां पे गोलियां लगी, वो घोड़ी वायपने को 1 घंटे के अंदर वायपना आई। वायपना घोड़ी आने के बाद लोगों को पता लगा कि घोड़ी तो आई, जयवंतराव पाटिल नहीं, इसका मतलब देश के लिए जयवंतराव पाटिल शहीद हो गए। कई गांव के और परिसर के लोग इस्लामपुर दौड़कर चले गए देखने के लिए, पर वहां पर उनकी डेथ बॉडी नहीं थी। साथियों ने उनकी डेथ बॉडी जला दी। अगर उनकी डेथ बॉडी नहीं जलाई होती तो हैदराबाद ले जाकर उसकी विटंबना और निजाम के रोहिले पठन करना चाहते थे, ये मालूम साथियों को थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर उनका एक दफन करा दिया। स्वतंत्रता की बलवेदी पर जिन जिन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन अर्पित किया, देश के लिए शहादत पाई, ऐसे महान सपूतों को देश युगों युगों तक भूला नहीं सकता है।